नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 जुलाई, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब बिना इंतजार आपको आपके वार्ड में लग जाएगा टीका। बिहार में फैलने लगी है जैविक खेती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सभी लोगों से सचेत रहने की अपील। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार में प्राध्यापकों की पद सृजन की शुरू हुई तैयारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर निकाली गई बंपर भर्तियां। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2100 पद पर आवेदन की मांग की गई है, जिसके तहत अब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से BSc नर्सिंग या GNM की डिग्री होनी चाहिए। खास बात यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ या फिर BSc नर्सिंग में रेगुलर वर्क वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार में फैलने लगी है जैविक खेती। बिहार की जैविक खेती प्रोत्साहन नीति बिहार में रंग ला रही है। बिहार में पिछले 5-6 सालों से खेती के स्वरूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। सेहत को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ने लगा है। इसका अंदाजा आप पिछले 2 साल में खेती में हुए बदलाव को देखकर लगा सकते हैं। जानकारों की माने तो पिछले 2 साल में यह वृद्धि लगभग 600% तक देखने को मिली है। राज्य सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 11,500 रुपए अनुदान देने का काम कर रही है, जिससे इसमें और ज्यादा बढ़ावा देखने को मिले। और इसके साथ ही बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती का कॉरिडोर बना है, जिसमें पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिले का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सभी लोगों से सचेत रहने की अपील। बिहार में भले ही कोरोना के मामले 100 के आसपास आ गए हों, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने बाढ़ में सामुदायिक भवन उद्घाटन के दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी फिलहाल जारी है। इसके साथ ही उन्होंने सड़क भवन तक की बातें भी कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। दुनिया के कई मुल्कों में तीसरा फेज शुरू हो चुका है, इसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे ईशान किशन की। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म आज ही के दिन साल 1998 को बिहार के पटना में हुआ था। ईशान किशन एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड के लिए खेलते हैं। दिसंबर 2015 में उन्हें 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत के टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। ईशान बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। 2018 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। वहीं साल 2020 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक मैच में शानदार पारी खेली थी। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है, जिसके तहत राज्य में आज विभिन्न जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर जिले का नाम शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी बचे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि बिहार के अधिकांश भाग में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। राजगीर गया और नवादा वासियों की प्यास बुझाएगी गंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंगा उद्धव योजना का काम बिहार में जोर शोर से चल रहा है, जिसके तहत बिहार के गया और नालंदा जिले के जल संकट के समाधान के लिए 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गंगा नदी का पानी मोकामा के मराची से राजगीर होते हुए गया तक लाया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कर साल 2051 तक की आबादी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ज्ञात हो 2836 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना में पटना जिले के मोकामा के पास मराची के निकट में गंगा नदी का पानी मेरा बरबीघा होते हुए राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के गिरियक प्रखंड के घोरा कटोरा झील में पानी को गिराया जाएगा। यहां से पानी को गया जिले के फल्गु नदी तक ले जाया जाएगा। बिहार में प्राध्यापकों के पद सृजन की शुरू हुई तैयारी। बिहार में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए 5 समितियों की एक नई समिति विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को संतुलित करने की दिशा में अहम पहल की गई है, जिसके तहत नैक समिति जल्द ही समस्त विश्वविद्यालयों से पद सृजित करने के लिए निर्देश देने जा रही है, जो कि बहुत से मसले पर चर्चा करके विश्वविद्यालयों को अनुशंसा करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नए विषयों की पढ़ाई शुरू की जानी है। अभी तक उन पदों के लिए विश्वविद्यालय में पद सृजित नहीं किए गए थे, लिहाजा शिक्षा विभाग की यह कोशिश है कि नए विषयों को चिन्हित कर उनके लिए पदों का सृजन किया जाए। भागलपुर
के आम की इंग्लैंड ने की तारीफ। कुछ समय पहले ही भागलपुर के जरदालू आम की खेप को इंग्लैंड रवाना किया गया था, जिसके बाद क्या था, जितने दीवाने बिहार में इस आम के हैं उतने ही दीवाने इंग्लैंड में भी देखने को मिले। आम को इंग्लैंड के लोगों ने स्वादिष्ट बताते हुए काफी सराहना की है, जिसके तहत इंग्लैंड की तरफ से भारतीय उच्चायुक्त को भेजे खत में भागलपुर के आम बगीचे का भी जिक्र किया गया है। उच्चायुक्त विजय चंद्रा के नाम से यह चिट्ठी भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद नियंत्रण विकास प्राधिकरण के माध्यम से जरदालू आमों को बीते 14 जून को इंग्लैंड भेजा गया था। 1 क्विंटल आम भेजे गए थे। जारी हुआ जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन। एसएससी ने कांस्टेबल के पद पर 25,000 से ज्यादा के पद पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीते दिन से शुरू हुए आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्तियां सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स में राइफलमैन के लिए निकाली गई है। इसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 2 सितम्बर और चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 7 सितंबर है। बाढ़ में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डाक बंगला परिसर बाढ़ में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी लोगों के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हैं। हमारा बाढ़ से विशेष लगाव है, यहाँ क्षेत्र के लोगों से हम हमेशा ही संपर्क में रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बाढ़ से 5 बार सांसद रहे, परिसीमन के कारण बाढ़ संसदीय क्षेत्र समाप्त होने से मुझे काफी दुख हुआ था। यहाँ की जनता ने हमें विशेष प्यार और स्नेह दिया है। बिहार के सरकारी आईटीआई के छात्रों को मिलेगा बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को नामचीन कंपनियों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जा रही है। जो विद्यार्थी जिस ट्रेड में पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरी करेंगे, उन्हें उसे संबंधित नामचीन कंपनियों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 1773 कौशल विकास केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पढ़ाई के बाद भी विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने और रोजगार के अनुरूप उन्हें तैयार करने हेतु डिजिटल कॉन्टेंट दिया जाएगा। मोतिहारी कृषि विज्ञान केंद्र देश में सर्वश्रेष्ठ। बिहार ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है, जिसके तहत मोतिहारी के पीपर कोठी कृषि विज्ञान केंद्र को देश में कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके बाद यहां के कृषि वैज्ञानिकों के बीच हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी घोषणा नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93 स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की, जिसके बाद वर्चुअल समारोह में कृषि विज्ञान केंद्र पीपराकोठी द्वारा कृषि एवं कृषि से जुड़े विषयों पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके तहत 10 लाख इनाम की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। पटना के छात्रों ने पैकेज पाने की होड़ में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आईआईटी जैसे संस्थानों में से हर साल भारी संख्या में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश किया है, वहीं अब आईआईटी पटना के छात्र ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, जिसके तहत आईआईटी पटना के एक छात्र को 54.57 लाख रुपए का पैकेज मिला है। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों को 235 प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। इनमें इस साल सबसे ज्यादा भर्तियां आईटी सेक्टर यानी कि कोर टेक्निकल सेक्टर ने की है। इस साल महिला और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए भर्ती की विविधता में भी वृद्धि देखी गई है, जिसकी पुष्टि आईआईटी पटना के प्लेसमेंट इंचार्ज डॉक्टर कृपा शंकर ने की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड के बावजूद आईआईटी पटना ने इस साल के प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान अपने छात्रों को दिए जाने वाले वेतन पैकेज में वृद्धि देखी है। बिहार में अब बिना इंतजार आपको आपके वार्ड में लग जाएगा टीका। बिहार में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य के साथ टीकाकरण के काम को जोर शोर से किया जा रहा है। इसको लेकर शहरी वार्ड में विशेष टीम को तैनात किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम के साथ जिले के सभी नगर निकायों में टीम की संख्या बढ़ाकर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का टारगेट भी किया गया है। इसके साथ ही हर वार्ड में एक सेंटर लगाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर सेंटर पर डेटा ऑपरेटर से लेकर वैक्सीनेटर तक तैनात किए गए हैं, जिसके तहत आप अपने वार्ड में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कभी भी टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी सुविधा मिलेगी आप सेंटर से अलग से टाइम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप भीड़ में लंबी लाइन का हिस्सा बने। इसके साथ ही वार्ड में ऐसी टीम का भी गठन किया गया है जो सेंटर पर नहीं आ पाने वाले लोगों के घर जाकर टीका दे।
मिजोरम से बिहार के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गोपालगंज। मिजोरम में हुए हमले में बिहार के गोपालगंज जिले के सीआरपीएफ जवान सुधांशु सिंह ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर बीते दिन गोपालगंज पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। 30 वर्षीय जवान सुधांशु सिंह पिछले 16 जून को अपने गांव से दिल्ली गया था। वहां पर कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहने के बाद 14 जुलाई को मिजोरम पहुंचे थे, जिसके अगले ही दिन उनके गुजरने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर देखने को मिल रही है। मॉनसून सत्र में जाने का 25 को तेजस्वी लेंगे फैसला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में शामिल होने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने विधायकों की सुरक्षा की मांग की थी। वहीं अब बिहार में मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में तेजस्वी ने सत्र में शामिल होने को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मॉनसून सत्र में शामिल होने का फैसला वो 25 जुलाई को करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान महागठबंधन की पार्टियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद ही महागठबंधन की पार्टियों के नेताओं ने कहा था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी और माफी नहीं मांगी जाएगी, वो विधानसभा नहीं जाएंगे। पटना के विभिन्न जिलों के लिए चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें। बिहार में यात्रियों का रुझान इलेक्ट्रिक बसों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम पटना में बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया और बोधगया के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन करने वाली है। इतना ही नहीं, इसको लेकर बेतिया, भागलपुर, मधुबनी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। जानकारों की माने तो इसे अगस्त महीने तक तैयार कर लेने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में शामिल सभी शहरों तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है, इसलिए पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर में बसें चलाई जाएंगी। वहीं स्टेशन बन जाने के बाद बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बोधगया के लिए शीघ्र बस चलेंगी। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं दिखेंगे चिराग पासवान। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पीएम मोदी की तरफ से आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। जानकारों की माने तो चिराग को बैठक में 2-3 दिन पहले ही आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस दौरान वो बिहार में आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण के लिए पहले से ही उनके शेड्यूल तय है, जिसकी जानकारी लोजपा के प्रधान सचिव संजय पासवान ने दी है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण का शेड्यूल 16, 17, 18 जुलाई को पहले से ही तय है। चिराग अपनी यात्रा को इस समय ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण भी महज 2-3 दिन पहले ही मिला है, इसकी वजह से चिराग इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। ने की सरकार से कुर्सी छोड़ने की मांग। बिहार में महंगाई की मार से हर एक आम नागरिक परेशान है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर है। वहीं आज से राजद प्रखंड और जिला स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करने वाली है। इसी कड़ी में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुर्सी छोड़ने की मांग तक कर दी है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि 18 और 19 जुलाई को राजद महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से ही लड़ रही है। इस जालिम सरकार का मुखरता से विरोध करो। इसके साथ ही लालू यादव ने आगे लिखा कि बहुत हुई महंगाई की मार, कुर्सी छोड़ो निर्लज सरकार। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिष्टमंडल ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात। बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मूल रूप से नियोजित माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन विसंगति दूर करते हुए 15% वृद्धि करने एवं छठे वेतनमान में वेतन निर्धारण के समय राज्यकर्मियों के लिए लागू अनुशंसित वेतन संरचना की अनुसूची 2 के अनुसार मूल प्रवेश वेतन नहीं निर्धारित करते हुए सभी कोटि के शिक्षकों को 5200 में ही छोड़कर मूल प्रवेश वेतन करने से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने पर सरकार ने विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने की साइकिल यात्रा। बढ़ती महंगाई से जहां पूरा देश त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी मुद्दा है। सरकार जहां महंगाई को रोकने में लाचार नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार का घेराव लगातार कर रहा है। जहां एक तरफ राजद आज अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन कांग्रेस ने देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेल सहित अन्य जरूरी सामानों की बढ़ती कीमत को लेकर पूरे बिहार में साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत पटना के बोरिंग रोड चौराहा से की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे थे। वहीं रैली का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि आज देश में महंगाई की जो हालत है, उससे हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। हर दिन पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोकने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। गूगल ने जारी किया अपना नया अपडेट। गूगल ने अपने सर्च ऑप्शन में नया अपडेट रोल कर दिया है। इस फीचर के आ जाने से अब यूजर 15 मिनट में की गई सर्च हिस्ट्री को 2 क्लिक में डिलीट कर पाएंगे। गूगल का यह नया फीचर फिलहाल सभी iOS यूजर को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं यह फीचर गूगल के ऑटो डिलीट हिस्ट्री फीचर का विस्तार है। इसके लिए सबसे पहले गूगल अकाउंट मेन्यू में जाएं, अपने अवतार
आइकॉन या प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें, आपको यहां पर एक नया क्विक डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको डिलीट लास्ट 15 मिनट लिखा दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर आप अपनी हिस्ट्री आसानी से डिलीट कर पाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में आज के दिन की गई थी। भारतीय संसद ने 1947 में विवश होकर इस देश की स्वाधीनता के कानून को पारित किया था। वाई वेणुगोपाल रेड्डी 2003 में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर आज के दिन बने थे। मनमोहन बुश वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 2005 में भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिक विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया था। भारत, पाकिस्तान और मेक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को 2007 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से आज के दिन सम्मानित किया गया था। भारतीय बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को आज के दिन हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को आज के दिन हुआ था। वहीं बिहार से निकले खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म भी आज के दिन हुआ था। आज खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका का पहला वनडे। लंबे इंतजार के बाद आज भारत और श्रीलंका एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, जो कि आज कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद आज सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में शिखर धवन की अगुवाई में टीम इस दौर का आगाज करेगी। इस बीच आज टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें शिखर धवन बतौर कप्तान, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर मैदान में नजर आ सकते हैं। हालांकि आज का यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,200 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.96 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, अनवर करीम, आदर्श अनुज, मनीष मोहरा, निशु सिंह, अमित खत्री, कुमार विकास, रिंकू कुमार पंडित, अमन सिंह, शंकर मुखिया, कुंदन कुमार, रंजीत मेहता, फुलेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, दिनेश कुमार, श्रवण कुमार, सुशील कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच में किस टीम का पर राज ज्यादा भारी है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।